सध्या देशामध्ये हिंदू मुस्लिम याचे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीवरचे मेसेज तुम्ही वाचलेच असते. मात्र खऱ्या अर्थानं सध्या सर्वांचं लक्ष आहे दिल्लीच्या सिंधू बॉर्डरवरती शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे. आता या आंदोलनामध्ये देखील असे अनेक मेसेज तुमच्यापर्यंत पोहोचले असतील. मात्र खरी परिस्थिती काही वेगळी आहे. या ठिकाणी देशातील विविधते एकतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न डॉक्टरांनी केलेला आहे. त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. त्यांनी या ठिकाणी लंगर दिलेला आहे आणि या लंगरमध्ये अतिशय उत्तम जेवण आहे. मी देखील याचा आस्वाद घेतलेला आहे. पण डॉक्टरांचं या मातीमागचं काही वेगळं म्हणणं आहे ते आपण त्यांच्याकडे जाणून घेऊ. डॉक्टर आपका पूरा नाम बताइए. मेरा नाम डॉक्टर नसीर अख्तर है. हम पंजाब के एक शहर मलेरकोटला से आए हैं. आपको जैसे मालूम ही है कि बहुत तीन चार महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीन काले कानून पास किए थे जो किसान विरोधी हैं. उन्हीं कानूनों को कैंसिल कराने के लिए हम खत्म करवाने के लिए यहाँ ये धरना है. इससे पहले किसानों का धरना पंजाब में चल रहा था, उसमें भी हम अपनी संस्था की तरफ से जो थे वो लेके जा रहे थे लंगर वगैरह. अब इन्होंने दिल्ली लंगर धरना लगाया तो हम यहाँ वहाँ से हमारे शहर से यहाँ से 300 किलोमीटर है वहाँ से यहाँ किसानों का लंगर खिलाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं हम. अच्छा, लेकिन जिस तरह से इंसानियत के नाम पे व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल किया जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या धर्म के नाम? नहीं, देखिए धर्म मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत आसान है हिंदू या मुसलमान होना, पर बहुत मुश्किल है आदमी का इंसान होना. कोई भी आप देखते हैं बच्चा पैदा होता है संसार में तो वो नवजन्म बच्चा होता है, वो इंसान बन के पैदा होता है और उसका धर्म इंसानियत होता है. बाद में घर के या इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन जाता है. अब जिसमें इंसानियत नहीं वो इंसान नहीं. जो इंसान ही नहीं बना वो धार्मिक कैसे हो सकता है? ये सब भरम भले के डाले गए हैं उन लोगों के लिए जो अपनी कुर्सी को चलाना चाहते हैं, दुकानदारी चलाना चाहते हैं. हम उनको यही पैगाम दे सकते हैं, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने. सियासी लोग ही डालते हैं हमारे अंदर फ़र्क जो है. उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने. मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे. हम तो मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं. वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर, कौमों के नाम पर नफरतें फैलाते हैं, लेकिन उसमें कोई तो होगा जो प्यार का दीप जलाएगा. हम तो वो प्यार का दीप जलाने आए हैं. ये हमारा खाना नहीं है, ये मोहब्बत का पैगाम है. मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं. एक बात है कि जिस तरह से पंजाब एक इकट्ठा हुआ है इस आंदोलन में, आपको लगता है पूरे देश का जो किसान है एक तरह से एक जाएगा? नहीं, देखिए ये समझने की जरूरत है, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये इंसान आंदोलन है. किसानी का आंदोलन नहीं है बल्कि इंसानी आंदोलन है ये. क्योंकि अब देखिए वो किसान जो अपना खून पसीना एक करके मिट्टी के साथ मिट्टी होकर सारा दिन मेहनत करता है और सारे इंसानों के लिए बिना किसी भेदभाव भाव के अनाज पैदा करता है, आज वही किसान सड़क पर है. अब मुझे बताइए मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो तकलीफ तो पूरी जिस्म को होगी ना, शरीर को. ऐसे ही जो ये किसान है वो इंसान का एक अंग है. अगर किसान को दर्द है तो पूरे इंसानियत को तकलीफ होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. और फिर किसानों का अकेला काम नहीं है, मजदूरों का भी काम है, जो कंबाइन बगाते हैं लोहे का भी काम है इसमें आता है. ये सारा सिस्टम बना हुआ है. अगर किसान परेशान है तो इंसान भी सुकून में नहीं हो सकता. अगर किसान खुशहाल है तो ही देश खुशहाल है. मैं अक्सर कहता हूँ हर जैसे एक शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है इंसान के, रीढ़ की हड्डी के बगैर जो बैक बोन है उसके बगैर इंसान खड़ा नहीं रह सकता. इसी तरह हमारे देश की जो बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो किसान है. अभी अन्नदाता रास्ते पे है, सरकार आपको लगता है कि सीरियसली ले रही है? आना पड़ेगा. जब देखिए उसने सरकार ने इसको किसानी आंदोलन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये इंसानी आंदोलन बन चुका है. सरकार भी तो इंसानी जुटते हैं ना. अब सब इंसान इकट्ठे हो गए तो किसानों के जो ये बिल हैं सरकार को वापस लेना पड़ेंगे. धन्यवाद डॉक्टर जी. तो तर तुम्ही पाहिला असेल, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, ये गुलसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. तर या देशामधील हे आंदोलन आता इन्सानियत म्हणजे मानवतेचं आंदोलन झालंय. याच्यामध्ये हिंदू मुस्लिम शिख ईसाई सब की सब हे भाई भाई असं म्हणत खांद्याला खांदा लढवत आता सरकारसमोर हे शेतकरी एकवटलेले आहे. त्याला मजदुराची देखील साथ मिळते. आता सर्व देशांनी एकवटून याच्यामधील ज्या तरतुदी आहेत किंवा जे कायदे आहेत याबाबत पुढे यावं असं इथल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. तोच मी तेच थांबतोय. या ठिकाणची प्रत्येक अपडेट मॅक्स महाराष्ट्रवरती पाहण्यासाठी मॅक्स महाराष्ट्र यूट्यूब चॅनल, फेसबुक चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ग्राउंड झिरोवरून शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, न्यू दिल्ली.